हे गाइस वेलकम टू द कॉन्सेप्ट स्टडी क्लासेस लर्न विद कॉन्सेप्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन व्हिच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास टेन सो बेसिकली व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे सो so, कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस भी होते हैं एंड फिजिकल चेंजेस भी होते हैं फिजिकल चेंजेस तो हमारे लिए विजिबल होते हैं बट केमिकल चेंजेस लाइक चेंज इन कलर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है uh, कोई भी जो रिएक्टेंट है जब वो रिएक्ट हो रहे हैं ओके तो जो प्रोडक्ट निकलेगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है ओके रिएक्शन में जब कोई रिएक्शन हो रही है लाइक आपने देखा होगा कि फिनेप्थलिन जब रिएक्ट होता है बेस के साथ तो वो पिंक कलर फॉर्म करता है चेंज इन स्टेट अगर वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है तो भी इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस ओके चेंज इन टेम्परेचर अगर वो टेम्परेचर मींस उसका जो जब रिएक्शन हो रहा है तब उसका जो टेम्परेचर था वो भी वेरीज हो जाता है बहुत सारी इक्वेशंस में रिएक्शंस uh, में ओके इवोल्यूशन ऑफ गैस कभी कभी कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी होता है कि उसमें गैस निकलती है जिसको कि हम ऐसे शो करते हैं ना लाइक हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या सीओ टू गैस ओके तो ये सब होता है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी जब रिएक्शन होती है तो उसके उसमें क्या केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंजेस होती है अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे ये टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव वाटर मॉलिक्यूल ओके यहाँ पे से बैलेंस करने के लिए ये टू एच टू प्लस ओ टू प्लस टू एच टू ओ लिखा गया है ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ओके okay? ये जो दिख रहा है ना तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वन ऑक्सीजन मोलिक्यूल है यहाँ पे ओके okay? तो ये जो हमारा ये सब हो रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंस ओके गाइज तो ये रिएक्टेंस है जिनके बीच में रिएक्शंस हो रहा है और इनके बीच में हमेशा ये जो प्लस का सिम्बॉल है ये लगता है फिर यहाँ पर एरो होता है गाइज तो ये जो एरो है ये शो करता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है ओके okay? जहाँ पर इसका ये हेड होगा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होगी और ये जो टेल है इस उसकी इस साइड हमेशा रिएक्टेंस होते हैं अब ये जो फाइनल आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स टू ओके दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स ओके ये जो बना है हमारा प्रोडक्ट ये राइट हैंड साइड पे बना है ओके okay? तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए जो रिएक्टेंस होते हैं उनके बीच में प्लस का सिम्बॉल होता है और वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और जो एरो जो है वो आ, उस रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है ओके okay? और जो हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं ओके गाइस, होप आपको ये समझ में आया होगा और कोई भी रिएक्शंस जो होती हैं ओके okay? उन वो हमेशा नॉन कन्वर्टेबल होते हैं मीन्स जो हमारा पुराना वाला जो भी उसका एलिमेंट था या वो जिस फॉर्म में था वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं वापस से उसी फॉर्म में हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते लाइक like आपने देखा होगा कि जो ग्रेप्स में जब फर्मेंटेशन होता है तो आप ग्रेप्स को वापस से ग्रेप्स नहीं बना सकते मिल्क को अगर आप समर में रूम टेम्परेचर पर रख दो तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको आप वापस से मिल्क नहीं बना सकते हैं तो ये सब केमिकल चेंजेस हो जाते हैं जिसको हम दे आर नॉन रिवर्सिबल ओके नाउ केमिकल इक्वेशन वॉट इज कैमिकल इक्वेशन द सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैमिकल इक्वेशन ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आपको दिख रहा है ये वर्ड फॉर्म में है ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों में रिएक्शन हो रहे हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दे गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके गाइज तो ये जो हमारा बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट तो दिस इज अ Yeah, equation in word form. ये इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म ये वर्ड के फॉर्म में लिखी हुई है सो दिस इज़ लेस इंफॉर्मेटिव इससे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही कि वो किस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में या फिर उसका क्या सिम्बोलिक उसका सिम्बॉल क्या है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का तो इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने उसको सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन दिया ये देखिए ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम उसको लिखते हैं लाइक एम जी जो हमारा सॉलिड फॉम में है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन जो कि गैस है है ना गिवज मैग्नीशियम ऑक्साइड ओके ये भी सॉलिड होगा हमारा अब यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है यहाँ पर वन मोलिक्यूल ऑफ एम जी है यहाँ पर भी वन मॉलीक्यूल ऑफ एम जी है बट यहाँ पर टू मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स हैं ओके ऑक्सीजन oh, तो यहाँ पे हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा तो हमको यहाँ पे भी टू लगाएंगे तो अब ये देखिए टू मोलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे भी हमारे टू मोलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम हो गए यहाँ पे वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी हमारे क्या वन एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस हो गई अब यही हम आपको आगे एक्सप्लेन uh, करने वाले हैं व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओके यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिख रही होगी ये ओके आयरन रिएक्ट विथ वाटर गिव्स अस फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल गाइस डोंट बी कंफ्यूज कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए किसी भी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना इट इज़ वेरी सिंपल यहाँ पे सबसे पहले उस पर जो जो भी एलिमेंट्स हैं आप वो लिख सकते हैं जिसे ये आपकी बुक में भी दिया गया है इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बैलेंस करेंगे ओके कौन सा मेथड गाइस हिट एंड ट्रायल मेथड ओके तो यहाँ पे एफ है यहाँ पे आप इस साइड लिख लेंगे रिएक्टेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट ओके तो एफ ई है हमारा हाइड्रोजन है देन ऑक्सीजन है अच्छा जो हमारा उसको बैलेंस करने का जो आ, पूरा सीरीज मतलब वे होता है उसको भी हम ऐसे ही करते हैं लाइक like, पहले हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं देन नॉन मेटल्स को देन हाइड्रोजन को एंड देन ऑक्सीजन को ओके okay? तो यहाँ पे गाइस हमारे एफ के आपको कितने आयंस दिख रहे हैं यहाँ पे वन एटम ऑफ आयरन दिख रहा है और यहाँ पे थ्री एटम्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम आयरन यहाँ पे दिखेंगे आप रिया ये रिया रिएक्टेंट में कितने आयरन के यहाँ पे वन है और यहाँ पे प्रोडक्ट में थ्री है तो हमको इसको भी थ्री करना है तो यहाँ पे आप थ्री राइट right कर दोगे ओके okay? अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन का देखेंगे हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में ये जो हमारा है ये पूरा रिएक्टेंट साइड है ये प्रोडक्ट साइड है ये रिएक्टेंट का जो साइड है है ना मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है टू मॉलीक्यूल्स है एंड यहाँ पे कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन का भी टू मॉलिक्यूल्स है मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस है अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखेंगे ऑक्सीजन का जो हमारे रिएक्टेंट साइड पे है ये वन मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कितना है यस yes, यहाँ पे फोर मॉलिक्यूल्स है ये प्रोडक्ट का जो साइड है यहाँ पे ऑक्सीजन का फोर मॉलिक्यूल्स है तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे येस गाइस यहाँ पर आपको वन uh, ऑलरेडी है यहाँ पे थ्री एस टू करना पड़ेगा ओके okay? तो यहाँ पे आपने एफ को बैलेंस किया था ये देखिए एफ को बैलेंस किया था थ्री किया था हाइड्रोजन को भी बैलेंस किया था आ, ये हम फिर से बना लेते हैं हमारा चार एफ ई यहाँ तो आपको पता ही रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ओके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एफ ई यहाँ पे थ्री है यहाँ पे भी थ्री हो गया अब हाइड्रोजन यहाँ पे टू था यहाँ पे भी टू है तो ये दोनों लगभग बैलेंस ही हैं अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं यहाँ पे वन है एंड प्रोडक्ट्स में फोर है तो इसको वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा तो यहाँ पे थ्री एस टू ओ कर देंगे अब आपने यहाँ पे थ्री एस टू ओ किया तो ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है हमारी यहाँ पे भी आपको थ्री राइट right करना पड़ेगा थ्री टू ज़ा सिक्स एंड थ्री टू ज़ा सिक्स तो दोनों साइड जो हमारे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो सिक्स सिक्स हो गए तो ये जो हमारी है ये बैलेंस हो गई ओके और जो हमारी नॉन बैलेंस इक्वेशन हो होती है उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बैलेंस नहीं होती है ओके गाइस होप आपको ये समझ में आया होगा तो पहले आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना हो तो सबसे पहले आप ये टेबल बना लीजिए उसमें पहले मेटल्स लिखिए फिर नॉन मेटल्स लिखिए देन हाइड्रोजन राइट करिए देन ऑक्सीजन फिर आप देखिए कि एफ ई के रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं हाइड्रोजन का कितना है ऑक्सीजन का कितना है और फिर दोनों का जो एटम्स है उसको काउंट करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं ओके दिस इज़ वेरी सिंपल गाइज ओके अब नाउ कम ऑन टू तो द नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में आता ही आता है ओके okay? तो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओके कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो देयर आर फोर टाइप्स इस इसमें और भी बताई गई हैं चैप्टर्स में बट यहाँ पे फोर टाइप्स की हैं फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब बेसिकली ये हमारा जो फर्स्ट वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इसमें देखिए गाइस क्या होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ओके इसमें ये जो रिएक्टेंट पे है ये दिख रहा होगा आप आपको दिख रहा होगा रिएक्टेंट वाली साइड पे ओके ए प्लस बी ए प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट सी ओके मीन जो हमारा रिएक्टेंट है रिएक्टेंट वाली साइड पर है जो ए बी कोई भी रिएक्ट मींस टू एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट हो रहे हैं और उनने प्रोडक्ट जो बनाया वो जो कि बिल्कुल अलग है एंड डैट इज़ सी यस अब आप बिना एग्ज़ाम्पल के तो विश्वास ही नहीं करोगे तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं लाइक बर्निंग ऑफ कोल जो होता है ना गाइस डैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स ये हमारा कार्बन जो कि सॉलिड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओ टू ओके जो कि गैस होती है दैट गिवज अस येस सी ओ टू जो कि गैस होती है दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हमारा जो ये था कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और इसने क्या बनाया गाइस कार्बन डाइऑक्साइड ओके अब नाव नेक्स्ट इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम ये सी ए ओ जो कि क्या होता है हमारा क्विक लाइम येस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वाटर की प्रजेंस में ये क्या बनाएगा स्लेक लाइन यस जो कि चूना आप यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में सी ए ओ एच ट एंड यस हीट इवॉल्व होगी एच ई ए टी यस तो ये आपको समझ में आया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट है ना यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कंबाइन हो रही है चीज अब यहाँ पे आप देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मींस कोई भी जो रिएक्शंस है हमारी वो डिकम्पोज हो रही है टूट रही है है ना डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है डिकम्पोज होना अब यहाँ पे ये देखिए ए बी जो है रिएक्टेंट्स ये डिकम्पोज हो रहे हैं ए प्लस बी अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे जो अभी हमने अपना बनाया था सी ए सी ओ थ्री यस सी ए सी ओ थ्री जो कि सॉलिड है इसको हम बोलते हैं लाइम स्टोन यस ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अच्छा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी जो होती है गाइस ये हमारी थ्री टाइप से होती है और इसको मैं बताऊंगी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी पहले आप इसका एग्जांपल देखिए ये जो हमारा है लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो हम बोलते हैं इसको ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट यस तो ये क्या देगा गाइज क्विक लाइम सी ए प्लस सी ओ टू गैस रिलीज करेगा यस yes, ये हमारा है क्विक लाइम जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और ये सी ओ टू गैस इसने रिलीज की है ओके okay, तो ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रही है ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ओके तो इसको हम अगर वो हीट की प्रेजेंस से बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्मोलाइटिंग अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको हम सॉरी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक ओके तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है ये देखिए ये ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ये जो रिएक्टेंट्स हैं ओके यहाँ पे ए जो है बी और सी के साथ रिएक्ट की कर रहा है बट जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो ए ने है ओके ये ए ने है जो सी के साथ कंबाइन कर लेगा ये रिएक्ट कर लेगा और ये इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगी ये बी को इसने डिस्प्लेस कर दिया अलग कर दिया है ना तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वो जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसको वो डिस्प्लेस करते हैं अब इस हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं लाइक यहाँ पे हम जेड एन ये जो हमारा है जिंक सल्फेट सॉरी गाइस यहाँ पे हम बताएँगे आपको जो हमारा जेड एन है ओके okay? ये होगा रिएक्ट कॉपर सल्फेट के साथ सी यू ठीक है क्योंकि ये जो हमारा जिंक है ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर ओके तो ये जो हमारा जिंक है ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा और ये फॉर्म करेगा जेड एन ये जिंक SO4 जेड एन इसने जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया और बनाया जेड एन और जो हमारा ये कॉपर था ये अलग हो गया है ना डिस्प्लेस हो गया तो मतलब किसी और की जगह ले लेना ठीक है इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि आपको नाम में ही दिख रहा है डिस्प्लेस कर दिया हमारे जो जिंक ने है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो डैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब नेक्स्ट गाइस हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है बट ये टू टाइम्स हो रहा है मतलब दो बार हो रहा है है ना तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे लाइक एन ए टू एस ओ फोर जो कि क्या होता है हमारा सोडियम सल्फेट यस बी ए सी एल टू इसने रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड के साथ तो अब क्या होगा ये जो हमारा एन ए टू है ये हो जाएगा सी एल के साथ रिएक्ट और ये जो बेरियम है ये सल्फ़ेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा गाइस बी ए एस ओ फोर येस डैट इज़ बेरियम सल्फेट प्लस टू एन ए सी एल येस इज सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हो है ना तो ये बन गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया देखिए ये एन एन ए सी एल के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये बन गया एन ए सी एल हमारा और ये बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये बन गया बेरियम सल्फेट मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार दोनों ने अपनी जो जो जगह है वो शिफ्ट कर ली है ओके सो गाइस हम आगे देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है रिडॉक्स ये जो वर्ड है ये टू वर्ड से मिल बना हुआ है फर्स्ट इज रेड एंड सेकेंड इज ऑक्स मीन्स यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है सो so बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो यहाँ पे हम देखते हैं गाइस व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन सो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओके और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है और जो ऑक्सीजन है ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये उसका एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी भी रिएक्शन में और जो हमारा हाइड्रोजन आयन है ओके okay? हाइड्रोजन जो है हमारा H प्लस आयन ये रिमूव हो रहा है ओके okay? तो दैट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ये रिडक्शन रिएक्शन में देखेंगे आप इसका वाइस वर्सा हो रहा है जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन जो है मैं रही रिमूव हो रही है वो किसी भी रिएक्शन से है ना रिया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओके इन इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे यहाँ पे सिर्फ आपको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स में लर्न करना है तो ऑक्सीडेशन से आपको समझ में आ ही रहा होगा जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है है ना ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड यहाँ पे आप देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेंगे ये देखिए हमारा कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये इसने बनाया सी यू ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन वहाँ पे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखिए गाइस ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये कॉपर ने है ये प्रोडक्ट में मत देखिए ये रिएक्टेंस वाली जो साइड है यहाँ पे देखिए ये जो कॉपर ने है ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो गेन कर लिया ऑक्सीजन के आइटम्स को गेन कर लिया है ओके हमारी जो ऑटो है वो यहाँ चली गई है ये ऑटो चली गई है गेन कर लिया है इसने तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे हो रहा है ये सी यू यू सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड जो बना हमारा तो ये यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन ओके और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला है ओके अब ऑक्सीजन यहाँ पे हट गया है तो यहाँ पे अब मैं इसको आपको एक बड़े आ, एक दूसरे क्वेश्चन में समझाती हूँ जहाँ पे हमारे टू रिएक्शंस बनेंगे दोनों साइड्स आप देखिए यहाँ पे ये जो हमारा है सी यू ये देखिए सी यू ओ प्लस एस टू ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कॉपर प्लस एस टू अब ये देखिए अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आएगा यहाँ पे देखिए ये जो सी यू ओ है ये जो हमारा कॉपर है है ना इसके पास ऑक्सीजन है तो इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपना दे दिया है तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ओके यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है और यहाँ पे जब इसने ऑक्सीजन दिया तो क्या हो रहा है गाइस यस जब इसने ऑक्सीजन दे दिया अपना यहाँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ यहाँ पे हो रिडक्शन हो रहा है ओके आपको समझ में आया ये कॉपर ऑक्साइड ने जब अपना ये ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को दे दिया तो ये जो एस टू ओ फॉर्म हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन और जो कॉपर ऑक्साइड ने अपना ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे दिया यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ठीक है यहाँ पे ये देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सो दिस इज़ द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड दिस इज द साइट ऑफ रिडक्शन अब ये जो ऑक्सीडेशन जहाँ पे हो रहा है ये इसको ये देखिए ये जो ऑक्सीडेशन हुआ हमारा ये जो uh, अभी ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सी यू ओ प्लस एस टू इन द प्रेजेंस ऑफ हीट सी यू प्लस एस टू ओके तो हमारा ये जो ओ आयंस ओ एटम्स यहाँ पे आया था तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था और यहाँ पे रिडक्शन हुआ था यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो ये जो ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है ये इसको ये जो ये कॉपर ऑक्साइड है ये इसको क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है तो डैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके क्योंकि ये सॉरी डैट इज़ नोन एज रिड्यूजिंग एजेंट क्योंकि इसने ये हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस किया मीन्स ऑक्सीजन ले लिया वहाँ से तो डैट इज़ नोन एज रिड्यूजिंग एजेंट तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे जो वो जो एलिमेंट है डैट इज़ नोन एज रिड्यूजिंग एजेंट जैसा कि हमारा एल आई सी एजेंट होता है ना गाइस और जहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है इसने इसको ऑक्सीजन दे दिया इसने इसका ऑक्सीडेशन किया भर दिया उसमें ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन में ऑक्सीड ऑक्सीजन भर दिया तो यहाँ पे हमारा एस टू ओ फॉर्म हुआ था ओके okay? तो डैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जो कि रिडक्शन की साइट है डैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा कि जहाँ पे खुद ऑक्सी ऑक्सीडेशन हो रहा है है ना वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि वो दूसरे केमिकल्स से ऑक्सीजन निकाल लेता है और जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे केमिकल्स में ऑक्सीजन भर देता है पूरी तरह तो डैट इज नोन एज ऑक्सीडे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके नाउ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ठीक है तो ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा एक्सोथर्मिक का मीनिंग होता है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व यस जहाँ पे हमारी एनर्जी जो क्या है ये निकल रही है ठीक है ना जहाँ पे हमारी एनर्जी निकल रही है मीन्स रेस्पिरेशन रिएक्शन देखी होगी आपने रेस्पिरेशन क्या होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ओके सॉरी ओ सिक्स ये हमारा जो फूड मॉलिक्यूल्स है ये ब्रेक डाउन होता है सी ओ टू प्लस एस टू ओ प्लस एनर्जी वाटर प्लस एनर्जी ओके ये तो यहाँ पे हमारी ये एनर्जी इवॉल्व हो रही है निकल रही है तो जहाँ भी एनर्जी इवॉल्व होती है निकलती है दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक एक्सो मीन्स बाहर जा रही है ओके okay. और सेकेंड है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस अब यहाँ पे देखिए गाइज एंडोथर्मिक मीन्स रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड जहाँ पे आप एनर्जी को सप्लाइड कर रहे हो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस व्हाट इज फोटोसिंथेसिस सी ओ टू प्लस एस टू ओके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओके यहाँ पे देखिए ये एनर्जी हाँ को हम सनलाइट के रूप में सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू ओके अब इसको बैलेंस आप कर लीजिएगा ओके okay, आप जानते ही होंगे इसको बैलेंस करना ठीक है ना तो यहाँ पे भी हमारी एनर्जी इवॉल्व हो रही है डाट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और जहाँ पे हमारी एनर्जी को हम सप्लाई कर रहे हैं ये देखिए अब एनर्जी को हम सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट भी कर सकते हैं टेम्परेचर भी कर सकते हैं यहाँ पे सनलाइट के फॉर्म में हो रही है फोटोसिंथेसिस में सो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक थर्मिक एक्जो मीन्स बाहर मतलब निकल रही है मीन्स और एंडो मतलब हमको सप्लाई करनी पड़ रही है ओके गाइज तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कोरोजन सो बेसिकली व्हाट इज़ अ कोरोजन वेन अ मेटल इज अटैक्ट बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture acids etc it is said to corrode and this process is called as corrosion okay guys means jab bhi koi metal hai na like aap uh, kabhi aapne dekha hoga ki loha jo bahar pada rehta hai hai na तो उसमें एक moisture उस पर एक moisture का या acid का जो भी attack होता है तो उससे जो उसका color है, है ना वो change हो जाता है है ना उसके ऊपर rust आ जाती है ना जंग जिसको कि हम जंग बोलते हैं तो वो जो मेटल है उसका आउटसाइड सब्सटेंस उस पर आउटसाइड सब्सटेंस का अटैक होना जैसे कि मॉइस्चर एसिड है ना और उसका करोड हो जाना मीन्स वो धीरे धीरे ये देखिए आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा ये खराब होने लगता है इज़ नोन करोजन यहाँ पे मैं हमने के फॉर्म में अभी आपको एक्सप्लेन किया है लाइक ये देखिए आयरन जो है हमारा ये मॉइस्चर हाइड्रोजन की से जब उसके संपर्क में आता है तो ये आयरन आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है प्लस एस टू हाइड्रोजन गैस ओके सो दैट इज़ नोन एज करोजन अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं गाइस है ना क्या कर सकते हैं कि हमारा कोई भी जो मेटल हो वो खराब ना हो लाइक आपने कॉपर को भी देखा होगा मैनी टाइम्स जब कॉपर को आप जो कॉपर को कोट करना पड़ता है हमको या जो ब्रिजेस हैं जो कार बॉडीज़ हैं आयरन रेलिंग्स हैं शिप्स जो इस्पेशली जो मेटल्स से बने होते हैं है ना तो उनको हमको एक कोटिंग देनी पड़ती है है ना ताकि वो उस कोरोजन ना हो सके तो उस उससे क्या होता है जो हम ब्लैक कोटिंग करते हैं सिल्वर पे या जो ग्रीन कोटिंग करते हैं कॉपर पे सॉरी जो ब्लैक कोटिंग आप सिल्वर पे देखोगे जो भी आप कभी सिल्वर का कोई भी आइटम पहनते हो तो वो जब हो जाती है तो वो कोरोजन हो जाता है उसका और जब ऐसे ही कॉपर पे जब वो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है डाटे नोनेस ऑल्सो नोनेस कोरोजन तो उसको हम रोक कैसे सकते हैं कोरोजन को है ना प्रिवेंशन क्या क्या है फर्स्ट इज पेंटिंग तो आप पेंटिंग कर दो मीन आयरन को हम पेंट करते हैं कोई भी पेंट से ताकि वो उस पर जो आउट आउटसाइड एसिड्स हैं मॉइस्चर है उसका अटैक ना हो सके ठीक है गैल्वनाइजेशन ऑयल ग्रीसिंग ये सब प्रिवेंशन uh, के मैटर्स है जिससे कि हम कोरोजन होने से रोक सकते हैं ओके okay? उस मेटल को बचा सकते हैं ओके देन नेक्स्ट टू नैंसिडिटी वॉट इज रैंसिडिटी वेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रानसिड्स एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज मीन्स जब भी आप देखेंगे कोई भी लाइक like, चिप्स या जो भी आप स्टोर फूड में कोई फैट या ऑयल से बनी हुई चीज़ रहती है है ना जो वो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है है ना और दे बिकम रानसेड मतलब उससे जो स्मेल उसका स्मेल और टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है ओके okay, तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन क्योंकि वो जो फैट है या जो ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए है ना तो क्या होता है कि उसकी जो स्मेल होती है और टेस्ट होती है ये स्मेल और टेस्ट दोनों ही एकदम चेंज हो जाते हैं ओके गाइस तो इसको इसका इसको हम कैसे बचा सकते हैं हमारे जो फूड है उसको रैंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं तो एंटी एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स आप उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप जो ऑक्सी ऑक्सीडेशन होने से जो बचा रहा है एंटी एंटी आया ना कि जो फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचा रहा है तो आप ऐसे प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड कर सकते हैं अब जो कभी भी जो हमारे चिप्स के पैकेट हैं या जो भी पैकेज फूड होता है उसमें ना पहले उसको नाइट्रोजन से फ्लैश किया जाता है ताकि उसका उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दें ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके तो द सेकेंड इज़ प्रि सेकेंड प्रिवेंशन इज़ रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन ओके थर्ड इज़ वैक्यूम पैकिंग आप वैक्यूम पैकिंग भी कर सकते हो एंड द फोर्थ इज़ रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आप फूड को रेफ्रिजरेट करके भी उसको रानसिड होने से बचा सकते हो सो गाइज़ डैट इज़ ऑल होप आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से ओके गाइज सो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें ओके बाय बाय